हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16th ऑफ फरवरी से लेके 22nd ऑफ फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The Fool, King of Swords, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, and Temperance. Okay. So, हमारे पास है Four of Pentacles. Four of Pentacles के साथ लगता है Gemini, आपका ये जो person है ये feel कर रहा है जैसे कि उन्हें अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए या इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और शायद इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बनाए हुए हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया हो, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है या आपके कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, या पॉसिबली अगर आपसे बात भी होती है तो जब भी आप कमिटमेंट की बात पे आते हैं या अपने फ्यूचर की बात पे आते हैं तो ये पर्सन किसी और ही बारे में बात करने लगता है या डाइवर्ट कर देता है कन्वर्जेशन को। सो ये वो पर्सन है जो ये फील कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं, आप उनसे कनेक्टेड हो चुके हैं, रिलेशनशिप काफी डीप है और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपने काफी समय इस रिलेशनशिप में स्पेंड किया है और उनका आपको वेट करवाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन जानता है कि अब एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे और उन्हें आपको रियल कमिटमेंट देना होगा आपको। तो ये पर्सन शायद किसी बात को लेके बेवजह कोई इशू बना सकता है या ऐसे शो कर सकता है जैसे वो अपसेट है आपसे किसी बात को लेके। टाइम खींचने की कोशिश करेंगे ये, ओके, टाइम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे जितने दिनों तक हो सके। ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो उतने दिनों तक कमिटमेंट को अवॉइड करें बिकॉज ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है अभी रेडी नहीं है आने वाले चैलेंजेस के लिए, वो भी फोर ऑफ पेंटिकल्स की वजह से। इस पर्सन को लगता है कि रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बहुत सारा काम, बहुत सारा फोकस अपने फाइनेंसेस पे, अपने लाइफस्टाइल पे। इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये जो कुछ भी है आसान नहीं होगा। ये पर्सन बहुत सारी चीजें एंटिसिपेट कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को इस बात का डर है कि जो कुछ भी उनका है वो उन्हें आपसे शेयर करना पड़ेगा। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्सन के आसपास के लोग ही कुछ ऐसे हैं, मतलब जितने भी लोग इनके लाइफ में आए वो ज्यादातर किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज ही ढूंढ रहे थे और हमेशा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी किसी न किसी चीज की। और ये पर्सन अब ऐसा लग रहा है कि ये फील कर रहा है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना उनकी फ्रीडम को खत्म कर देगा या उनसे उनका सुकून ले लेगा। सो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि कोई चीज उनको प्रेशर कर रही है और कमिटमेंट करने का मतलब होगा कि वो लगातार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते जाएंगे और चीजें मुश्किल होती जाएगी। तो ये पर्सन रिलेशनशिप को तो एंजॉय कर रहा था, ओके, उन्हें रोमांस और लव ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी, बट अब जब बात आ रही है जिम्मेदारी लेने की और आगे बढ़ने की तो इस पर्सन के अंदर वो करेज नहीं है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है तो इस पर्सन की फीलिंग्स जो भी आपके लिए थी वो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन करना चाहता है या इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहता है, आपको भूल जाना चाहता है, ऐसा मैं कुछ होते हुए नहीं देख रही हूँ। बट ये पर्सन जैसा लगता है ये महसूस कर रहा है कि अच्छा हो कि वो आगे ना बढ़े आपके साथ, या जितना देरी से आगे बढ़े उतना ज्यादा अच्छा है ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे पहले ना आए। सो ये पर्सन एक बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर अपना रहा है यहाँ पे। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली इस पर्सन को आपको ये कमिटमेंट देना पड़ेगा बिकॉज वो जानते हैं कि वो इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते। अगर उन्हें रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें अपनी तरफ से भी कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। ये वो सिचुएशन नहीं हो सकती जहां पे वो एक आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें या जब चाहे आपके लाइफ में आए, जब चाहे आपके लाइफ से जाए और आप उनका वेट करते ही रहेंगे। जेमिनी,
ये पर्सन जानता है कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ करना जानते हैं, और इस पर्सन को पता है कि अगर उन्होंने आपको लूज किया जेमिनाई, तो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इस पर्सन को पता है कि आपको लूज करने का मतलब होगा कि ना सिर्फ वो अपने बेस्ट लवर को, ना सिर्फ वो अपने परफेक्ट मैच को लूज करेंगे, बल्कि वो लूज कर देंगे जिंदगी भर खुश रहने का मौका, और चैलेंजेस तो वही रहने वाले हैं। इस पर्सन को पता है कि जब भी वो किसी रिलेशनशिप में आएंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उन्हें कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। उस रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी आएंगे, सो इन चैलेंजेस से घबराने का कोई मतलब नहीं है, एंड पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। सो लगता है फाइनली नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने मन को समझाएगा, चीजों को खुद भी समझेगा, एंड उसके बाद ये पर्सन आपको ये कमिटमेंट ऑफर करेगा। हालांकि ये चीजें मैनिफेस्ट होने में कुछ वक्त लग सकता है, बिकॉज टेम्परेंस के साथ जेमिनाई, इस पर्सन का अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। इस पर्सन के लिए अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, एंड चीजों को फिर से स्टार्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है, बट लगता है ये पर्सन इस चैलेंज के लिए रेडी है, बिकॉज टेम्परेंस है, तो ये चेंज को अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बिकॉज जितनी दूर तक हो सकता था इस चेंज को वो टाल करके देख चुके हैं, और ये चेंज कहीं जाने नहीं वाला, ये तो आएगा ही। सो इस पर्सन को पता चल गया है कि जो है उसे फेस करना है। द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन काफी ज्यादा डिटरमिंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्रिपेयर हो जाएगा, चलो ये आर्मर पहन लेते हैं, सॉर्ड ले लेते हैं, चैलेंजेस आएंगे तो देखा जाएगा, पर अभी चल के जेमिनाई को ये पेंटिकल देखे आते हैं। मतलब ये है कमिटमेंट के बारे में, ये है फ्यूचर के बारे में। तो ये पर्सन जैसे लग रहा है फाइनली अपना माइंड मेकअप कर लेगा, बट फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा इस ट्रांजिशन में, और ये ट्रांजिशन आसान नहीं होगा आप दोनों में से किसी के लिए भी। ओके, बट फाइनली अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये हो रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मजिशियन। ओके, तो हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन जैसा लगता है काफी समय से आपको वॉच कर रहा था, इवन इफ अगर आप दूर दूर थे तो भी ये पर्सन ये सोच रहा था कि शायद उन्हें आपको लिमिट तक पुश करके देखना चाहिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हो इमोशनली, या फिर हो सकता है कि आप दोनों दो डिफरेंट लोकेशंस पे हो और चीजें मुश्किल होती जा रही है, एंड ये पर्सन काफी वियर्ड रिएक्ट कर रहा था, या ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो बदल रहे हैं। सो उस केस में हो सकता है ये पर्सन ये सोच रहा था कि शायद इस तरीके से वो आपको बिजी रख सकते हैं कुछ वक्त के लिए, एंड शायद उनके लिए कमिटमेंट अभी देना जरूरी नहीं होगा। बट पेज ऑफ कप्स को ये पर्सन लूज नहीं करना चाहता। उन्हें पता है कि आपने बहुत ज्यादा डेडिकेशन शो किया इस रिलेशनशिप की तरफ, तो ये पर्सन जानता है कि अगर वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे तो डेफिनेटली आप भी कुछ और सोच सकते हैं अपने लिए। इनफैक्ट द मजिशियन का कार्ड है जेमिनाई, तो आपके अंदर पावर है हर चीज को मैनिफेस्ट करने की। जो कुछ भी आप चाहते थे वो आप मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे। सो इस पर्सन से अगर आपको कमिटमेंट की उम्मीद थी या कोई और बेहतर अप्रोच की, तो वो आपको नजर आएगा इस वीक में। सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ जेमिनाई, अगर आप पास की तरफ बार बार मुड़ के देख रहे हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अच्छा है अपने एक्सपीरियंस से सीखना, क्योंकि यही आपकी फैसला लेने में मदद करेगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैसेजेस फॉर जेमिनाई, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो जॉन ऑफ आर्क आपसे कह रही है कि जो आपका मन कहे वो कहते जाइए, स्ट्रांग रहिए, और बिना ये सोचे
कि आपकी किस बात का कौन क्या मतलब निकालेगा, कैसे उसे समझेगा, बस कह दीजिए. ओके, बिकॉज ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि दूसरे उन चीज़ों को कैसे समझते हैं. आपकी ड्यूटी है बस आपके मन की बात कहना. सो बिना किसी बात से डरे हुए कि आप कुछ लूज कर देंगे या कुछ खराब हो जाएगा इसकी वजह से, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कीजिए. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.